हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना लेक्चर है वो है फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन जो वेव फंक्शन लेते हैं उस वेव फंक्शन की भौतिक सार्थकता क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उस मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव होती है जो डी ब्रोसर ने अपने को बताई है। उस वेव को श्रोडिंगर ने रिप्रेजेंट किया है साई से। कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके साथ में जो वेव है उसको रिप्रेजेंट किया है साई से, और जो साई है ये श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से आया है। और ये जो साई है ये फंक्शन होता है एक्स और टी का, इट मींस पोजिशन एंड टाइम। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि साई जो वेव फंक्शन है, साई डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड टाइम। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, साई एक्स टी। फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है इसका, यानी भौतिक सार्थकता क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि श्रोडिंगर ने जो वेव फंक्शन साई जो रिप्रेजेंट किया है वेव के कोरेस्पॉन्डिंग, दिस इज इमेजिनरी, ये अपने आप में काल्पनिक है, और काल्पनिक चीजों का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता स्टूडेंट्स, यानी इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती। तो सबसे तो पहले अपन यही लिख सकते हैं कि द वेव फंक्शन साई इज इमेजिनरी, सो दैट इट इज नो हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एक चीजें जो है वो काल्पनिक हैं, यानी कॉम्प्लेक्स है साई अपने आप में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट साई है अपने पास, साई इक्वल्स टू एक्स प्लस आईटा वाई, एक्स प्लस आईटा वाई। तो आईटा की जो टर्म है तो वो इमेजिनरी है, इट मीन साई है वो इमेजिनरी है। डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जिसको अपन साई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा वो होगा साई स्टार, और साई स्टार इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स और प्लस आईटा की जगह माइनस आईटा। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, यानी साई इंटू साई स्टार, यानी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साई एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार, देन वी गेट ए टर्म, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको अपन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, साई इंटू साई स्टार, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, साई की वैल्यू है एक्स प्लस आईटा वाई इंटू साई स्टार की वैल्यू है एक्स माइनस आईटा वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस आईटा एक्स वाई माइनस आईटा एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर। आईटा एक्स वाई से माइनस आईटा एक्स वाई कैंसिल, देन वी विल गेट साई साई स्टार इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, साई जो है वो इमेजिनरी है, बट साई इंटू साई स्टार जिसको अपन मोड ऑफ साई स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में अपन एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसमें अपन मोड ऑफ जेड स्क्वेयर को लिखते हैं जेड इंटू जेड स्टार, वैसे ही साई इंटू साई स्टार को अपन मोड ऑफ साई स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, साई जो है ये तो है इमेजिनरी, बट साई इंटू साई स्टार
यानी साई और इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई स्टार, इसका मल्टीपल देखिए ये क्या है, रियल। तो ये अपने आप में एक रियल है। तो डियर स्टूडेंट, साई जो है, जो वेव के साथ वेव फंक्शन है साई, वो तो काल्पनिक है, उसकी कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं होती, उसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता। बट साई इंटू साई स्टार, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू अपने को आती है वो रियल आती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि साई स्क्वायर जो है, दिस इज ए रियल क्वांटिटी, इसका कोई ना कोई फिजिकल मीनिंग है। डियर स्टूडेंट, साई इंटू साई स्टार यानी साई स्क्वायर, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा गया। इसका भी एक मीनिंग है जो आगे अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इसका मीनिंग पता चल जाएगा कि इस क्वांटिटी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों कहा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, 1926 की बात है जिसमें सर मैक्स बोरन ने इसके फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है उसको डिस्क्राइब किया कि क्या वेव के साथ में जो साई है उसको अपन किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका फिजिकल मीनिंग क्यों नहीं है और साई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग क्यों है। तो स्टूडेंट्स, इन 1926 सर मैक्स बोरन गिव्स ए स्टेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई स्क्वायर। 1926 में मैक्स बोरन सर ने इस साई स्क्वायर का अपने को स्टेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन दिया और मैक्स बोरन सर ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू हिम द प्रोबेबिलिटी of a finding of finding a particle at any position and at a given time। इसको पोजिशन ना लिखे अपन किसी पॉइंट पर लिखें, एट एनी पॉइंट। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एट एनी पॉइंट, पॉइंट का मीनिंग एक पोजिशन, किसी पॉइंट पर जो वेव है उसके होने की या न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो, और किसी टाइम पर, यानी मैक्स बोरन सर ने क्या बताया कि किसी भी पॉइंट पर और किसी टाइम पर, किसी गिवन टाइम के ऊपर, कि पार्टिकल वहां होने या न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम यानी मैक्स बोरन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट एंड एट ए गिवन टाइम इज proportional to psi square। कहने का मीनिंग कि पार्टिकल किसी पॉइंट पर है या नहीं है, है या नहीं है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रपोर्शनल होती है साई स्क्वेयर के। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि साई स्क्वेयर के इक्वल होगी,
इक्वल होने का मीनिंग है कि एग्जैक्टली अपन ने डेफिनेट कर दिया उसको कि पार्टिकल वहां है, बट ये मैंने बोला कि प्रोपोर्शनल। तो नियरली अपन जिस पॉइंट के ऊपर रहते हैं उस पॉइंट के आसपास अपन बता सकते हैं कि पार्टिकल की वहां होने की प्रोबेबिलिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं बताता हूं आपको कि एक तो अपन इसको निकालेंगे कि किसी पॉइंट के ऊपर, पता कैसे चले कि किसी भी वेव के ऊपर या किसी भी टाइम पर या किसी भी पॉइंट के ऊपर यहां पर पार्टिकल है या नहीं। जैसे अपने पास कोई वेव है, इतने से रीजन में अपने से कोई पूछे कि पार्टिकल कहां है, तो डियर स्टूडेंट्स इतने रीजन में अपन एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि पार्टिकल कहां है, ये प्रोबेबल है अपने आप में। तो किसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट को चूज करके अपन प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि पार्टिकल यहां हो सकता है, पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। जैसे बात करें अपन कि एटम्स के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज ए क्वांटम पार्टिकल क्योंकि मूविंग है, मूविंग पार्टिकल के साथ में वेव होती है, न्यूक्लियस के अराउंड ये मूविंग करता है इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो क्वांटम पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता रहता है, तो मूव करेगा तो उसके साथ में वेव भी होगी, बट अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि न्यूक्लियस के अराउंड कहां पर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजिशन है। तो इसके लिए एग्जैक्ट पोजिशन अपन बता नहीं सकते, तो इसके लिए अपन प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। छोटे से रीजन में अपने से कोई पूछे, जैसे कोई डीएक्स रीजन है इतना, कि इस डीएक्स रीजन में पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डीए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, पहले तो मूविंग पार्टिकल है इसके लिए आपको साई निकालना पड़ेगा और फिर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्रोबेबिलिटी से अपने को पता चलेगा कि इतने से रीजन में पार्टिकल कहां है। और डियर स्टूडेंट्स ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, यानी पार्टिकल के इस रीजन में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इतने से रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 to 1 के बीच में होगी। पार्टिकल इतने से रीजन में नहीं है तो अपनी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी और एग्जैक्ट पॉइंट जो चूज किया था अपने को, एग्जैक्ट वहीं पर अपने को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आएगी स्टूडेंट्स। अदरवाइज इतने से रीजन में पार्टिकल कहीं भी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी। इसी की अपन बात करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 डायमेंशनल मोशन में किस प्रकार से होगी और 3 डायमेंशनल मोशन में किस प्रकार से होगी। डियर स्टूडेंट्स फिजिकल मीनिंग में आपको ऐसे ही एग्जांपल लेके मैक्स बोर्न सर का जो स्टेटमेंट है वो खाली वो लिखना और ध्यान रखना कि साई का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, बट साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग है। दिस इज ए रियल क्वांटिटी। फॉर 1 डायमेंशनल मोशन पार्टिकल एक ही डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है, तब उसके साथ में जो वेव है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी जो है ये साई एक्स टी ये लिखना पड़ेगा अपने को कि साई डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड टाइम। प्रोबेबिलिटी को क्या लिखेंगे, साई स्क्वायर। अब मैं इसको लिखता हूं स्टूडेंट्स इनटू डीएक्स। इनटू डीएक्स का ये हुआ कि डीएक्स स्मॉल डिफरेंशिएशन है, यानी डीएक्स अपने पास कोई छोटा सा रीजन है, उस रीजन के अंदर पार्टिकल की या वेव के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपन फाइंड कर रहे हैं। तो पूरे रीजन की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें, छोटे से रीजन के लिए तो अपन यूज में लेंगे डीएक्स और न्यूक्लियस के अराउंड पूरे रीजन की अपन बात करें कि पार्टिकल यहां होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए अपन इसका करते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करते हैं तो ये है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ
फाइंडिंग पार्टिकल एट ए पॉइंट एंड एट ए गिवन टाइम। ये फॉर वन डायमेंशन के लिए बात करें। अपन जैसे अपन ये साई और एक्स के कोरेस्पोंडिंग इनके बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करें, साई एक्स टी, ये है एक्स, कोई वेव है वो इस प्रकार से जा रही है। अपने से ये कहे कि इतने से रीजन में यहां से लेके और यहां तक पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि इतने रीजन में पार्टिकल है कि नहीं। ये पॉइंट चूज कर लिया अपने स्टूडेंट्स ए और ये कर लिया बी। तो इतने पूरे रीजन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के लोग मूव है पार्टिकल, इतने पूरे रीजन में पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इंटीग्रेटेड की लिमिट होगी ए टू डी। और इसको मैं शेडेड कर देता हूं। इतने से रीजन के अंदर अपने को जो शेडेड रीजन है उसमें बताना है कि पार्टिकल के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां होगी। तो स्टूडेंट्स अपने को इस ग्राफ में दिख रहा है यहां पार्टिकल के पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी, यानी कण के पाए जाने की प्रायिकता या जो प्रोबेबिलिटी है ये मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट की मैं बात करूं तो सबसे मिनिमम होगी, और अदर किसी पॉइंट की बात करें तो ये मिनिमम से तो ज्यादा है लेकिन मैक्सिमम से कम है। तो डियर स्टूडेंट्स ए टू बी रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है तो इंटीग्रेशन साई स्क्वेयर डीएक्स, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। जो पार्टिकल अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल कहां है, उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है फॉर वन डायमेंशनल मोशन। इसी चीज को अपन थ्री डायमेंशन में लेके जाएं, फोर थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे साई एक्स की जगह आर लिखेंगे, क्योंकि आर एक्स वाई और जेड के ऊपर डिपेंड करता है। इसका अपन करें स्क्वेयर, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी। और थ्री डायमेंशन के लिए यानी एक्स वाई और जेड, तो यहां क्या लिखेंगे dx, dy एंड dz। और यहां पर अपन ट्रिपल इंटीग्रेशन, और ट्रिपल इंटीग्रेशन आपके लिए, आपको पता है क्यों आया है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन x, y और z डायरेक्शन के लिए आया है, यानी x डायरेक्शन में स्मॉल रीजन है अपने पास dx, y डायरेक्शन में है dy और z डायरेक्शन में है dz। तो ये भी है प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये थ्री डायमेंशनल में है। डियर स्टूडेंट्स यहां लिमिट लिख सकते हैं अपन 0 टू ए, 0 टू बी, 0 टू सी, कुछ भी लिमिट हो सकती है। और dx इंटू डीवाई इंटू dz, dx, dy और जो dz है इसको अपन लिख सकते हैं डीटो, और डीटो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो इसको लिखता हूं मैं 0 टू ए, 0 टू बी और 0 टू सी, साई आर टी स्क्वेयर और डिटो, दिस इज प्रोबेबिलिटी व्हेन पार्टिकल मूविंग इन थ्री डायमेंशनल। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो मैक्स बोरन का जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना अपने को।